सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दाल गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए हम देखते हैं हमको दाल गोश्त बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और 250 ग्राम चने की दाल ली है, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, और ये मैंने कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं जिसको कि हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। इसमें पुदीने के पत्तों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मैंने तड़का देने के लिए 2 टेबलस्पून प्योर घी लिया है, आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने 1 स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, इसको हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं, इसमें 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और 5 से 6 टेबलस्पून हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर गरम करेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते ऐड कर रही हूँ जो कि मैं आपको शुरू में नहीं दिखा पाई, और इसको 4-5 सेकंड के लिए हम सौटे कर लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन कलर की हो गई। अब हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि मटन अपना कलर चेंज नहीं कर देता है और इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए हमारे मटन ने अपना कलर चेंज कर दिया। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए अदरक और लहसुन के साथ हमने मटन को फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। ये देखिए मसालों के साथ हमने मटन को 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया। और अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने चने की दाल को भिगोया नहीं है, आप चाहें तो भिगो कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 700 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी को बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। और इसको अब हम एक मिक्स दे देंगे और अब हम इसकी लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसमें 1 प्रेशर आने देंगे। 1 प्रेशर को आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 9 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे जब तक कि हमारा मटन और दाल अच्छे से टेंडर नहीं हो जाते। इसके प्रेशर को हम ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दाल और मटन दोनों ही बहुत अच्छे से गल गए। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन करके इसको एक मिक्स दे देंगे। और यहीं पर आप प्लीज़ इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, अगर ये आपको गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें उबला हुआ पानी डाल सकते हैं और एक उबाल दे दीजिए। हम एक मथनी की मदद से इसको इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि दाल जो है एकदम इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, और इसके दाने हमें अलग अलग ना दिखाई दें, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको एक दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक पैन लेंगे जिसमें कि हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। हम पैन में घी ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैं प्योर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो प्लेन घी या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती है। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है और अब हम इस तड़के को अपनी दाल गोश्त में डाल देंगे। इसको एक मिक्स देंगे
अब हम इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते अवेलेबल नहीं हैं तो आप धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं बारीक काट कर। और साथ ही में डाल देंगे हरी मिर्च और इन सबको मिक्स करेंगे। बस अब ये तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना यमी और कितना डिलीशियस हमारा दाल गोश्त बनकर तैयार हुआ है। हमारा बहुत ही यमी और डिलीशियस दाल गोश्त बनकर तैयार है। आप इसको चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी चपाती या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेसिपी को शेयर और लाइक प्लीज़ ज़रूर करें।